नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। वैसे तो इस सब्जेक्ट कोड का बीपीएससी 132 जिसे आप कहते हैं, भारत सरकार और राजनीति यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। हिंदी मीडियम मैराथन क्लास ये आपके लिए होने वाली है और इसमें मैं लास्ट 3 ईयर्स के, है ना, लास्ट आप कह सकते हैं 3 सेशन के, ये ईयर्स तो मत कीजिए, लास्ट 3 सेशन के जो क्या हैं आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं आपके MRQ से मैं डिनोट करूँगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ। मतलब अगर आप इस क्लास को बहुत ध्यान से देख के चले जाएंगे तो आपको इस सब्जेक्ट कोड में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस क्लास से आपको पेपर में आप देखना 8 में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन केवल और केवल इसी क्लास से आपको रिपीटेड देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए पास होने के लिए काफ़ी है, जिसमें हम बात करेंगे भारत की सरकार की और भारत में होने वाली पॉलिटिक्स की यानी कि राजनीति की। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आज का है, बहुत ही रफली मोड में हम धीरे 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 चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, है ना। इन्हें इंग्लिश में कैसे डिनोट करते हैं हम, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज, FD से हम इन्हें डिनोट करते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं जिनसे व्यक्ति का विकास संभव हो पाता है, लेकिन साथ साथ संविधान कहता है कि देश के नागरिक होने के नाते हमें कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। इन्हीं कर्तव्यों को क्या कहा गया है, मौलिक कर्तव्य कहा गया है। भारत के संविधान के भाग 4 के A पार्ट में, यानी भाग जो 4 है आपका, उसका कौन सा पार्ट, ए पार्ट जो है उसमें 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। पहले केवल कितने थे, 10 थे दोस्तों, लेकिन फिर ये 11 हो गए। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वे संविधान के, आप कह सकते हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत क्या किया गया था, इसको ऐड किया गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को, क्लियर, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य रखा गया था कि माता पिता अभिभावक और राज्य का फर्ज बनता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री, आप कह सकते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में पूरा योगदान वो दें। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, ये जो मौलिक कर्तव्य होते हैं ये नागरिकों के नैतिक दायित्व होते हैं, यानी यदि नागरिकों की बात करें तो उन्हें अधिकार मिले विकास के लिए, लेकिन उनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है अपने देश के प्रति, इसलिए इन्हें कहा जाता है नागरिकों के नैतिक दायित्व ये होते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। ये कर्तव्य करते क्या है, नागरिकों को देश के प्रति, किसके प्रति, देश के प्रति उनके कर्तव्य याद दिलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि हमारे देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। इनकी याद हमें कौन दिलाता है, इसकी याद हमें दिलाता है कौन, मौलिक कर्तव्य। यहाँ ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है कि मौलिक कर्तव्य की ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मौलिक कर्तव्य जो होते हैं न्याय संगत नहीं होते। कहने का मतलब ये है, यदि हम मौलिक कर्तव्य को अपना पालन नहीं करते, जो कि हम सामान्यतः नहीं भी करते, तो हमारे ऊपर कोई पुलिस केस नहीं हो सकता, हमें हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की जा सकती, हमें कोर्ट में ले जाया नहीं जा सकता। तो ये न्याय संगत नहीं होते, इनको लेकर कोई भी कानूनी दंड निश्चित अभी तक नहीं है। हालांकि नागरिकों को इन कर्तव्यों का पालन किया करना चाहिए, क्योंकि ये एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने में योगदान देते हैं। ये देश को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, एक समृद्ध राष्ट्र बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। आपको इसमें से नोट कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें से कुछ भी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करना है, इनको ध्यान से समझ लेना है। समझने से आपका काम चल जाएगा। क्लास को 2 बार ध्यान से देखिए, सारे में यहीं पर आपको याद कराऊंगा। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहे होंगे, 1 से लेकर 11 तक, इनकी सभी संख्या मैंने यहाँ पर क्या की है, नोट की, जो संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, तो 11 कर्तव्य हैं, इनमें से कोई भी 4 से 5 आप याद कर लेना। बिल्कुल सिंपल सिंपल से कर्तव्य हैं, जैसे संविधान का पालन करना चाहिए, इसके अलावा राष्ट्रगान का और देश के ध्वज का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, स्वतंत्रता के लिए हमने जो राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करना चाहिए, साथ साथ भारत की संप्रभुता यानी कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना चाहिए, बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो कोई भी 4 आप इसके याद कर लेना, 4 पेपर में लिखने काफी होंगे, 11 के 11 आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, भारत की राजनीति में मार्क्सवादी उपागम, ये दिसंबर 2023 के पेपर में भी आया हुआ सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन, कि जो मार्क्सवादी उपागम होता है ये भारत की राजनीति में किस प्रकार इंपैक्ट डालता है। तो आप सभी को मैंने कई बार बताया कि मार्क्सवादी उपागम का मतलब यह है कि जहां पर नेताओं की सोच इस प्रकार की होती है कि समाज के जो मजदूर वर्ग है उसे आगे लाना चाहिए, समाज के मजदूर वर्गों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था को मार्क्सवादी अप्रोच कहते हैं।
देखिए, मार्क्सवादी उपागम भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान देता है। यह दृष्टिकोण बात करता है वर्गों के बीच संघर्ष की, लोगों के होने वाले आर्थिक शोषण की और उत्पादन के साधनों में स्वामित्व की। और मार्क्सवादी उपागम ये कहता है कि जो पूंजीपति वर्ग है, जिसे आप कहते हो पूंजीपति वर्ग, जिसे प्राचीन समय में या फिर एंशियन टाइम में अभिजात वर्ग कहा जाता था, वही क्या करता है, उत्पादन के संसाधनों का मालिक बन जाता है। और आर्थिक शोषण किसका होता है? आर्थिक शोषण होता है आपके मजदूर वर्ग का। जो मजदूर वर्ग होता है, इसका सामान्यतः क्या किया जाता है? आर्थिक शोषण किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर दोस्तों? साथ में आप देखेंगे मार्क्सवादी विद्वानों का मानना है कि भारत की राजनीति के बीच क्या होता है, वर्गों के बीच संघर्ष है। और बिल्कुल है, क्योंकि भारत में आर्थिक विभाजन ज़्यादा है, अमीर गरीब के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस बात को आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत के 10% लोगों के पास भारत की 90% संपत्ति है, और बाकी 90% जो लोग हैं दोस्तों, वो केवल कितनी प्रॉपर्टी पर अपना गुजारा कर रहे हैं, 10% संसाधनों पर गुजारा कर रहे हैं। उनका ये तर्क है कि जो पूंजीपति लोग हैं, देखिए आगे ना वही बात, मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जिन जो अमीर लोग हैं, अभिजात लोग हैं, वो उत्पादन के संसाधनों के क्या हो जाते हैं, स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं, मालिक बन जाते हैं, और वे अपने हितों को ही क्या करते रहते हैं, बढ़ावा देते रहते हैं। जबकि जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, इनका शोषण होता है और ये हाशिए पर आ गए हैं। हाशिए पर मतलब दर किनारे कर दिए गए हैं, मेन नदी में छलांग लगा रहे हैं अमीर लोग और किनारे पर बैठ कर देख रहे हैं कौन, गरीब लोग। इस व्यवस्था को नाम दिया गया है मार्क्सवादी उपागम। समझ में आई कि नहीं आई आपको, इतना बता दीजिए। चलिए ठीक, तो मुझे लगता है ये क्लास आपके लिए वास्तव में इनफ होने वाली है। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, मार्क्सवादी उपागम भारतीय राजनीति का, मार्क्सवादी उपागम भारतीय राजनीति के कई पहलुओं को दिखाता है। इसे राजनीतिक दलों का उदय और पतन, आपको पता है मार्क्सवादी विद्वानों ने यह कहा है कि राजनीतिक दल वर्ग हितों के हिसाब से क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पूंजीपति वर्ग के हितों की बात करती है। वामपंथी जो दल होते हैं, ये श्रमिक वर्ग की बात करते हैं। तो मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि हर पार्टी किसी न किसी वर्ग विशेष के लिए काम करती है, और जो कि गलत है। ठीक है, सरकारी नीतियाँ, मार्क्सवादी ये कहते हैं, वे तर्क देते हैं कि जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं, ये अमीरों को लाभ ज़्यादा पहुँचाती हैं और गरीबों को इनसे क्या होता है, नुकसान होता है। जैसे वैश्वीकरण को ही आप ले लीजिए, पूरी दुनिया में क्या हुआ, एक होगी पूरी दुनिया, वसुधैव कुटुंबकम की हमने बात की, द होल वर्ल्ड इज़ अ लाइफ सॉरी फैमिली, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरा विश्व यहाँ पर क्या हो गया, परिवार हो गया। लेकिन इनका सबसे बड़ा नुकसान किसको है, गरीब लोगों को। अब आप ही देखिए, अगर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जो वैश्वीकरण हुआ है, इससे आपने कई बार आए दिन सुना होगा कि दुनिया भर के फर्टिलाइजर्स भारत में हैं, और जिससे हमारी खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हरित क्रांति हमने भारत से उठा के चीज डाल तो दी, लेकिन कहीं ना कहीं हरित क्रांति ने भी नकारात्मक प्रभाव ही छोड़े। तो ये है, आप कह सकते हैं, सरकारी नीतियों का लाभ। सामाजिक आंदोलन, इन लोगों का ये कहना है कि दलित आंदोलन या फिर जातीय आंदोलन जो भारत में होते हैं, ये किससे जुड़े हैं, कि समाज के दबे कुचले वर्ग से जुड़े हैं, है ना। आंदोलन ज़्यादातर कौन कर रहे होते हैं, वो आंदोलन कर रहे होते हैं, जो संघर्ष कर रहे होते हैं, वो गरीब लोग होते हैं। सामाजिक आंदोलन में अक्सर आप देखना वर्ग असमानता देखने के लिए मिलेगी, अमीरों के पास इतना वक्त नहीं आंदोलन करें, गरीब लोग ही क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा आपको यहाँ पर समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये PDF आपको मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में उदारवादी विचार, देखिए भारतीय राजनीति में उदारवादी विचार क्या है, इसको मैं क्या करूँगा, आपको बताने की कोशिश करूँगा। उदारवादी विचार मतलब, याद रखना, उदारवादी विचार वो होता है जो उदारवाद की बात करता है। उदारवाद बोलते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, है ना, लिबरल की बात करता है। लिबरल का मतलब होता है आज़ादी। जब पूरी अर्थव्यवस्था को आज़ाद छोड़ दिया जाए, पूरी अर्थव्यवस्था में कोई विशेष प्रतिबंध ना लगा हो, जैसे भारत ने 1991 में LPG नीति अपनाई थी, आप सुनने सुना होगा LPG, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, इसमें जो एल वाला वर्ड था, एल का मतलब था उदारवाद। भारत ने 1991 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में, आप कह सकते हैं मनमोहन सिंह जी उसमें वित्त मंत्री थे, सरकार थी PV नरसिम्हा राव जी की, तो उस समय हमने क्या किया था, उदारवाद को अपनाया था। उदारवाद में हमने क्या किया, हमने ये कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और साथ साथ न्याय और सहिष्णुता, इन सभी मूल्यों पर आधारित होगी अर्थव्यवस्था। इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो इस व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है। व्यापार पर होने वाले टैक्सेस को हटा दिया जाता है, कोशिश किया जाता है कि बिना परमिट के भी क्या किया जाए, लोगों को व्यापार करने की कोशिश दी जाए, ताकि दूसरे देशों के साथ संबंध क्या हो सके, मजबूत हो सके। उदारवाद इसे हम कहते हैं। उदारवादी विद्वानों का मानना है कि सरकार का प्रारंभिक कार्य क्या, देखिए सरकार का प्राथमिक कार्य क्या होना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना, व्यक्ति पूरी तरीके से आजाद है, नागरिक को अपने जीवन का चयन करने क्या देना, आजादी देना। बार बार आपको आजादी शब्द दिखाई देगा। वे मानते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसी, कैपिटलिस्ट क्या होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, CE कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, यही देश को क्या कर सकती है, समृद्ध कर सकती है और लोगों के लिए अवसर पैदा कर सकती है। ये लोग जो उदारवादी लोग होते हैं, अमेरिका जैसे क्या करते हैं, देशों का एग्जाम्पल देते हैं उदारवादी लोग, ताकि वो दिखा सके कि देखिए वहाँ लिबरलाइजेशन है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन वहाँ पे कर दिया गया, तो
कितने आगे देश हमसे पहुंच चुके हैं, और बात सही भी है। वे कानून के समक्ष समानता चाहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं, धर्म की स्वतंत्रता चाहते हैं, और इसे ही कहते हैं उदारवाद। भारत की राजनीति में उदारवाद का एक लंबा इतिहास रहा है। जैसे बात करें गोपाल कृष्ण गोखले साहब, मदन मोहन मालवीय साहब उदारवादी विचारक थे। इन्होंने एक उदार लोकतंत्र को अपनाया। जैसे अमेरिका में भी आपको पता है उदारवादी लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है अमेरिका में? उदारवादी लोकतंत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भारत की राजनीति में उदारवादी विचार समझ में आया, मतलब जहां पर बाजार अर्थव्यवस्था हो, जहां पर लोगों को स्वतंत्रता देने पर फोकस किया जाए, ऐसी राजनीति को क्या कहते हैं? उदारवादी राजनीति कहते हैं। और जिस देश के लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था होते हैं उसे उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया है। तीन कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनमें से एक कॉन्सेप्ट हमेशा आता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट मैं आपको आज कराने वाला हूँ। देखिए मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक क्या किए गए हैं, ये दिए गए हैं आपको। कहीं कहीं पर आपको अनुच्छेद 12 से 35 तक भी मिलेगा, ठीक है, तो आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। इसके अलावा 6 मौलिक अधिकार अब इस समय संविधान में है, पहले 7 थे। 7वां जो था उसका नाम था क्या? संपत्ति का अधिकार, है ना, आपने सुना होगा संपत्ति का अधिकार, जिसे अब क्या कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया है। और इसे बताइए कौन से आर्टिकल के तहत इसे एक कानून बना दिया है, सामान्य कानून बना दिया, बताइए कौन से आर्टिकल के तहत संपत्ति के अधिकार को। ये अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार जो है, सभी नागरिकों के लिए समान है। ये उनकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी क्या नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। याद रखना मौलिक अधिकार लोगों के वे अधिकार है जो उनके चहुमुखी विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट या फिर सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माने गए हैं। 6 मौलिक अधिकार है टोटल, ये बात भी आपको क्या रखनी है, रट लेनी है दिमाग में एक एक बात। नोट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। चलिए एक एक मौलिक अधिकार की बिल्कुल शॉर्ट में बात करते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कानून के समक्ष समानता इसके अंदर आती है, यानी सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं। आप किसी का भी एग्जांपल उठा लीजिए, आप देखिए सलमान खान को भी सजा हुई थी, और आपने देखा होगा संजू पिक्चर देखी होगी, आपने देखा होगा संजय दत्त को भी सजा हुई थी। इट मींस आप कुछ भी हैं कानून के समक्ष आप समान हैं, कानून के समान संरक्षण, और सभी कानून सभी को मिलता है कानून की तरफ से संरक्षण। सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता, आपको पता है सभी को गवर्नमेंट जॉब में क्या करने का, गवर्नमेंट जॉब लेने का अधिकार है नहीं है, बस यहाँ पर एक थोड़ा सा अपवाद ये होता है कि उस लेवल की आपके पास योग्यता होनी चाहिए। फिर आता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके साथ अस्पृश्यता का अंत, जो हमारे देश में छुआछूत की बीमारी पहले चलती थी उसका पूरी तरीके से आप कह सकते हैं इलाज किया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच। क्लियर। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार, ध्यान से समझ लेना। मैं एक एक का अपवाद भी आपको बताऊंगा, पहले आप अपवाद वर्ड का मीनिंग समझ लेना। अपवाद का मतलब होता है जहां पर अधिकार लागू नहीं होता, तो मैं बार बार आपको अपवाद भी बताऊंगा। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें भाषण देने की क्या है, आज़ादी है, हम किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते जो देशद्रोह हो, ऐसा नहीं बोल सकते जो देश के खिलाफ है, ठीक है। फिर सभा करने की स्वतंत्रता, हम सभा तो कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं लोगों की, लेकिन हम आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते। संघ बनाने की स्वतंत्रता हमारे पास है, लेकिन वही वाली बात है कि संघ ऐसा ना हो कि हमने उग्रवादी संगठन बना दिया, नक्सलवादी संगठन बना दिया। आवागमन की स्वतंत्रता है, हम भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, लेकिन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना उसकी परमिशन के नहीं घूम सकते। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, लेकिन व्यवसाय इलीगल नहीं होना चाहिए, आप ड्रग डीलिंग करने लग जाएं ऐसा नहीं है। शोषण के विरुद्ध क्या होना चाहिए, अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। ये तीन अधिकार और हैं जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये भी तीनों अलग अलग अधिकार हैं। समझ में आया आपको, यह है स्वतंत्रता के अधिकार। फिर आगे जो आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, दो अनुच्छेद में बात है। एक तो ये कहता है मानव तस्करी नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, और व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते आप। बंधुआ मजदूर का मतलब यह है कि आप उससे पैसे भी नहीं दे रहे, बस वो गुलाम बना के आप क्या करा रहे हैं, मजदूरी करा रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। व्यक्ति कभी भी काम छोड़कर जा सकता है। 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों क्या नहीं कर सकते, खतरनाक कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते, जैसे कांच की फैक्ट्री है, दारू की फैक्ट्री है, या फिर आप कह सकते हैं चूड़ी बनाने की फैक्ट्री है, उस तरीके से आप उन्हें काम नहीं करवा सकते, ठीक है, 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को। और बाल मजदूरी पर रोक भी क्या करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ही रोक लगाता है। धर्म की स्वतंत्रता में हमारे देश में सभी धर्मों को समान माना गया है, सभी को अपने धर्म को संरक्षण देने, सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म पर उंगली उठाएंगे। धार्मिक संस्थानों की स्थापना आप कर सकते हैं, उनका प्रशासन चला सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा मदरसों की स्थापना की जाती है, आपने देखा होगा गुरुकुल की स्थापना की जा सकती है, उस तरीके से। क्लियर।
फिर आता है आपका सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। आपको पता ही है अल्पसंख्यक लोग जो हैं, जो जिनकी संख्या आप कह सकते हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से क्या है, कम है, वो अपनी भाषा को, अपनी लिपि को, अपनी संस्कृति की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। भारत में तो पता विविधता का देश है, बहुत से अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं जो अलग ही भाषा बोलते हैं। सभी नागरिकों के लिए यहाँ पर क्या है, शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए आप एक आर्टिकल और याद रखना, आर्टिकल 21A, जिसमें ये कहा गया है कि सभी को क्या है, शिक्षा का अधिकार है। चलिए फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम संविधान के अधिकारों की आत्मा भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मौलिक अधिकार हमसे छीन लिया जाता है, उसका उल्लंघन होता है, तो हम उच्च न्यायालय में या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये अधिकार हमें कौन देता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी जब संविधान, आप कह सकते हैं संविधान में कोई गड़बड़ी हो जाए या फिर हमारे अधिकार हमसे छीन लिए जाए, तो संविधान का उपचार करने के लिए जो अधिकार बनाया गया, दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर? चलिए समझ में आई इतनी सी कहानी आपको। नेक्स्ट जो आपका है, भारत के संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये आखिरकार क्या कहानी है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिन्हें हम कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है? जैसे अभी मैंने देखा था, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए, लेकिन वो न्याय संगत नहीं थे। यदि हम मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी। साथ साथ उसी तरीके से सेम राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है वो क्या है, वो एक राज्य बोले तो यहाँ पर क्या है, देश, राज्य भी हो सकता है और वो देश भी हो सकता है। एक देश या फिर राज्य के क्या है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक कर्तव्य है जो उन्हें करने चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो उन्हें कोई भाला नहीं मारेगा, उनके ऊपर कोई दंड नहीं दिया जा सकता। और ये सबसे बड़ी गड़बड़ वाली चीज़ है, यहाँ पर दंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः राज्य के नीति सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए, और याद रखना मौलिक कर्तव्य 4A पार्ट में। ठीक है, चलिए ये सिद्धांत सरकार को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए बनाया गया। मैंने बताया ना, सरकार की केवल गाइडेंस के लिए है, सरकार इन्हें माने चाहे ना माने। सभी नागरिकों को समान अवसर मिले ताकि और सामाजिक न्याय मिले, ये दोनों उसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि सरकार को काम इस तरीके से करना चाहिए, सभी को अवसर मिल जाए, सभी को सामाजिक न्याय मिले। मुख्य विशेषता क्या है, ये न्याय संगत नहीं होते। DPSP जो है ये न्याय संगत नहीं होते। आप कहेंगे सर ये न्याय संगत क्यों नहीं होते? क्योंकि यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालयों में आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सरकार यदि हमें समान अवसर ना भी दे तो भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ये गलत चीज़ है। मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, ये सरकार की केवल मदद करते हैं नीति निर्माण में, सरकार को गाइड करते हैं कि आपकी नीतियाँ किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू होनी चाहिए, किस उद्देश्य के बेस पर की जानी चाहिए। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य है, और याद रखना ये हमें बताते हैं कि लोकतंत्र का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, सरकार को गाइड करने का काम करते हैं। और राज्य के दायित्व उसे बताते हैं कि राज्य की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने नागरिकों के प्रति, उस जिम्मेदारी का एहसास हमें कराते हैं कौन, आपके कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्लियर? चलिए बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म सापेक्षता होती है, एक होती है धर्मनिरपेक्षता। धर्म सापेक्षता का मतलब होता है जिस देश में राज्य का कोई धर्म हो, सरकार का कोई धर्म हो। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर इस्लाम धर्म को विशेष सुरक्षा दी गई है, तो वहाँ पर धर्म सापेक्षता की कंडीशन है। लेकिन भारत में क्या है, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता है। यानी भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं भारत का अपना कोई राजधर्म नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए, है ना, ये एक अच्छी कंडीशन है। भारत का अपना कोई भी राजधर्म नहीं है। देखिए कहानी क्या है, आखिरकार कहानी को समझिए। इसका मूल अर्थ है धर्म से संबंधित नहीं, भारत किसी भी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है। राज्य और धर्म का अलग अलग पृथककरण किया गया है। पृथककरण मतलब कि राज्य और धर्म, सरकार और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सरकार किसी भी धर्म के साथ ना तो जुड़ सकती है, ना उसके साथ पक्षपात कर सकती है ना। सरकार अपना कोई धर्म नहीं बता सकती कि मैं ये हूँ, समझ रहे हो। फिर सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए, सभी धर्म स्वतंत्र रूप से क्या कर सकें, अपने आप को आगे बढ़ा सकें, विकसित हो सकें। सभी धर्मों को समानता, धर्म, जाति, लिंग, अन्य किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले, इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्म सापेक्षता क्या हुई, धर्म सापेक्षता जो कि इसका उल्टा होता है। सापेक्षता वर्ड लिख लीजिए, एक इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड। सापेक्षता का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर सरकार किसी एक धर्म को अपनाकर और केवल उस धर्म के नागरिकों का विकास करने लगे। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक धर्म के लोगों को अपनी पसंद के अनुसार धर्म को मानने की और ना मानने की आज़ादी होनी चाहिए। साथ साथ कानून के समक्ष समानता, सभी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना कानून के समक्ष सभी क्या हो, समान हो। अब मान लीजिए इस्लामी कानून शरिया है या फिर शरीयत है, उसके तहत किसी को सजा सुना दी गई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के खिलाफ गया है वो व्यक्ति, क्योंकि भारतीय संविधान कहता है धार्मिक मान्यताओं की परवाह नहीं करनी, कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है। धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता, और भारत में जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो मदरसे हो, चाहे कोई भी न्यायपीठ वगैरह हो,
न्यायपीठ कह रहा हूँ, सॉरी विद्यापीठ वगैरह कोई भी हो धर्म विशेष की, वो जो है आप कह सकते हैं वो अपने काम को स्वतंत्र रूप से चला सकती है, बशर्ते उसमें कोई इलीगल शिक्षा बच्चे को ना दी जाए। डन। चलिए, भारत की राजनीति में गांधीवादी उपागम। अब देखिए, गांधीवादी उपागम का मतलब ये है कि गांधी राजनीति को किस नज़रिए से देखते थे। तो हम सब भली भांति जानते हैं कि महात्मा गांधी के दर्शन और विचार ये गांधी जी के जो है राजनीति को पूरी तरीके से हिला के रख देते हैं। पूछिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी के दो स्तंभ माने गए, अहिंसा बिना झगड़े और सत्य आग्रह। हमेशा सच की लड़ाई वो करते थे, सत्य के लिए क्या करते थे दोस्तों, आग्रह करते थे, अपील करते थे अंग्रेजों तक से, और इसी अपील के कारण वो इतने कुछ जाने गए। गांधीवादी उपागम की मुख्य विशेषता क्या है? ये हमेशा अहिंसा की बात करता है। राजनीति में हमेशा क्या कहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह हो, शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन की मांग की जाए। सत्याग्रह, गांधी ने हमेशा सत्य और न्याय के लिए क्या किया है, आप कह सकते हैं बहिष्कार, हड़ताल का सहारा लिया। सर्वोदय, गांधी कहते हैं सभी के कल्याण का लक्ष्य की बात होती है, इसे सर्वोदय कहते हैं, सभी का कल्याण होना चाहिए। आत्मनिर्भरता, गांधी कहते हैं स्वदेशी उद्योग को बढ़ाओ, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहिए। विदेशी निर्भरता को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, विदेशी निर्भरता को कम कीजिए, यही भारतीय राजनीति होनी चाहिए। सभी धर्मों को समान माना जाए, ये भी क्या कहते हैं गांधी जी, कहते हैं सभी धर्मों के प्रति लोगों के बीच समानता डेवलप की जाए। बिल्कुल ठीक ऐसा ही किसी समय पर अकबर ने किया था, जब अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी दोस्तों, सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी, तो उसने सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता कायम की थी। डन। तो भारतीय राजनीति का गांधीवादी उपागम भी अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता यहां तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्लियर। चलिए, भारतीय राजनीति में गांधीवादी उपागम का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बात हम करेंगे। इसने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भूमिका निभाई, क्योंकि समर्थन जुटाने में गांधी सबसे आगे रहे। साथ साथ भारतीय संविधान बनते समय भी समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को गांधी के दृष्टिकोण से ही शामिल किया गया था। राजनीतिक दल की यदि बात करें तो राजनीतिक दलों ने भी अपने घोषणा पत्रों में, अपनी नीतियों में गांधीवादी विचारों को रखा। सामाजिक आंदोलनों की बात करें तो बहुत से ऐसे सामाजिक आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप चिपको आंदोलन को देख लीजिए, वो भी पूरी तरीके से गांधी के ऊपर ही टिका था, गांधी के विचारों पर टिका था, जहां पर महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा के लिए उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। ये एक अहिंसक विद्रोह था, और एक ऐसा विद्रोह जो सच्ची की लड़ाई थी, सत्याग्रह था। तो गांधी के विचार आज तक हमें क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर। ये दोबारा आ गया क्या डीपीएसपी? ओके। भारत में जेंडर आधारित आंदोलन की बात करेंगे, यानी जेंडर के बेस पर भारत में कौन कौन से आंदोलन होते हैं, कई बार एग्जाम में छप चुका सवाल। देखिए, भारत में जेंडर आधारित आंदोलन बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि बात करते हैं लैंगिक समानता की, यानी कि जेंडर इक्वेलिटी की। आपको पता है आज भारत इतना शिक्षित देश है, फिर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारत के लोग जेंडर इक्वेलिटी नहीं दिखा पाते। ये लोग आज भी महिला और पुरुषों के बीच में भेदभाव करते पाए गए हैं। महिलाओं के अधिकारों को आज भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, यही काम करते हैं कौन, आपके जेंडर आधारित आंदोलन। ये आंदोलन दशकों से चले आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के समूहों से आगे बढ़ते हैं। जैसे महिला संगठन इस आंदोलन को चला सकती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, वकील हो गए, शैक्षणिक और आम नागरिक क्या करते हैं, इन आंदोलनों को लेके आते हैं। जब जब सवाल उठता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तब तब दिखाई देते हैं जेंडर आधारित आंदोलन। क्लियर। चलिए, भारत में जेंडर आधारित आंदोलन के कुछ लक्ष्य हैं। लैंगिक समानता प्राप्त करना, भाई पहला लक्ष्य तो यही है कि जेंडर इक्वेलिटी हम लेकर आ सकें, हम क्या कर सकें, पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अवसर लेके आ सकें, ताकि दोनों महत्वपूर्ण फैसले लेने में समान अवसर पा सकें। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अंत, आपको पता है महिलाओं के खिलाफ कई प्रकार की हिंसा होती है, जैसे बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है, दहेज हत्या है, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा महिलाओं की होती है, और घरेलू हिंसा तो आज के समय में इस हिंसा पर तो कोई बात ही नहीं करता, जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं डीवी, ठीक है। महिलाओं के साथ आपने देखा होगा घर परिवार में बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, ये इसका भी अंत किया जाना चाहिए। जेंडर आधारित आंदोलन बात करता है, साथ साथ ये कहता है महिलाओं का सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, और राजनीतिक शक्ति को क्या करना है, उसकी सशक्त बनाना है, जिसे आज के समय में हम WE के नाम से जानते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। लैंगिक रूढ़ियों और भेदभाव को चुनौती देनी चाहिए। लैंगिक रूढ़ियाँ मतलब जैसे महिलाएं इस समय के बाद बाहर नहीं जानी चाहिए, महिलाएं कमज़ोर होती हैं, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ताकतवर नहीं होती, उनके मुकाबले काम नहीं कर सकती, उनके मुकाबले एफिशिएंट नहीं होती, कार्य कुशल नहीं होती, ये सब क्या है, लैंगिक रूढ़ियाँ हैं। क्लियर। भारत में मजदूर आंदोलन, आपको पता है भाई मजदूर आंदोलन तो किसके हितों की रक्षा करेगा, मजदूरों की। इन आंदोलनों की शुरुआत तो 19वीं शताब्दी के आसपास से ही होगी थी, जब दुनिया में औद्योगिकरण चल रहा था, और भारत में भी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। मजदूर आंदोलन मुख्य रूप से किसके लिए होते हैं बताओ, बेहतर वेतन के लिए, काम करने की बेहतर स्थिति के लिए, काम के घंटों को कम करने के लिए, है ना। इसके लिए मजदूर करते क्या है, हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करते हैं। अब ये तो यानी मारपीट करेंगे, उससे तो मिलेगा नहीं कुछ भी, कोशिश ये लोग करते हैं, ये इनकी शर्तें होती हैं और तरीका इनके ये दो होते हैं।
बीसवीं शताब्दी में मजदूर आंदोलन संगठित हो गए और राजनीति के रूप में जागरूक हुए। क्यों? क्योंकि अब लोगों ने क्या कर लिया, मजदूर संघ बनाना शुरू कर दिया, ट्रेड यूनियन जिन्हें आप कहते हैं, या फिर आप कहते हैं मजदूर संघ, ठीक है, ये बनाने लोगों ने शुरू कर दिया और अब ये राजनीति में भी भूमिका निभाने लगे। क्योंकि सारे मजदूर एक होकर कह देते हैं हम इस पार्टी को वोट तब देंगे जब ये पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे लिए कोई नया नियम लेके आएगी। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में मजदूर आंदोलन हुए उनकी उपलब्धियां क्या रही, क्या उपलब्धियां रही? पहली उपलब्धि तो मजदूरों ने यह हासिल कर ली कि भारत में अब न्यूनतम मजदूरी कानून है, यानी हर व्यक्ति को इतना न्यूनतम वेतन दिया ही जाना चाहिए, है ना। आप मुझे कमेंट में बताएंगे इस समय न्यूनतम मजदूरी कितनी है, बताइए। चलिए, फिर काम करने की स्थिति में सुधार, काम करने की स्थिति में सुधार उन्होंने किया है अपनी। सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार, जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ क्या, अब मजदूरों का बीमा किया जाता है, अब मजदूरों को पेंशन दी जाती है, समय समय पर बोनस दिया जाता है। सरकारी मजदूर यदि हो तो आप देखिए उसको ट्रैवल अनाउंस, आप कह सकते हैं हाउस रेंट अनाउंस, HRA, TA, DA और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिल पाती हैं। ये सब मजदूर आंदोलनों के कारण संभव हो पाया है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका। क्षेत्रीय पार्टी आपको पता है, इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली की आम आदमी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी है ना, आज भी से क्षेत्रीय पार्टी, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बहुत से सांसद हैं, लेकिन इसकी ज़्यादातर प्रभाव कहाँ पर है, क्षेत्रीय स्तर पर। इनकी भूमिका क्या होती है, ये राज्य सरकारों का गठन करती हैं, बहुत से राज्यों में उन्होंने सरकार बना रखी है। अब आम आदमी पार्टी को ही आप देख लीजिए, एक तो दिल्ली में और एक आपका पंजाब में, ये भी क्या क्षेत्रीय पार्टी। राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका कई बार प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अब आप देखिए जो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा क्या हैं, विधायक हैं वो, और वो सॉरी सांसद जो हैं, है ना, दिल्ली से सांसद कौन है, राघव चड्ढा जी, प्रिंती चोपड़ा के हस्बैंड आपको पता है, तो वो क्या है, राष्ट्रीय राजनीति पर भी कई बार प्रभाव जमाते दिखाई देते हैं। इतनी लॉजिकल बात वो करके निकल जाते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता। क्षेत्रीय मुद्दों का उजागर करना, ये पार्टियां वे होती हैं जो अपने क्षेत्र विशेष को नेशनल लेवल पर लेकर जाती हैं और बात करती हैं अपने क्षेत्र के विकास की, सामाजिक न्याय की और पर्यावरण के संरक्षण की। विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व, और याद रखना क्षेत्रीय पार्टियां क्या होती, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां छोटे छोटे समुदायों और अल्पसंख्यक समुदायों को भी कोशिश करती हैं कि लोकतंत्र की मेन स्ट्रीम से या फिर मुख्य धारा से जोड़ पाएं। ये खास बात होती है किसकी, क्षेत्रीय पार्टियों की। समझ में आई दोस्तों? ठीक है, प्रधानमंत्री जी के कार्य, यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। संवैधानिक कार्यों की बात यदि करें तो आपको पता है सरकार के ये मुखिया होते हैं, बहुत सारी शक्तियां इनके पास होती हैं। पहला, सरकार के नेता, लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी के नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी। राष्ट्रपति को सलाह देने का काम ये करते हैं, राष्ट्रपति जी को क्या करते हैं, सलाह देने का काम करते हैं। साथ साथ विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात, आपको पता है मोदी जी पूरे दिन किसी न किसी विदेशी व्यक्ति से मिलते ही रहते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो कभी जो बाइडन आ गए, है ना, और कभी आप देखिए कोई ना कोई मतलब विदेशी जो भी आएगा सबसे पहले किससे मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री जी से सम्मानित है। और संसद में भी नेतृत्व ये कई बार करते हैं क्योंकि संसद में सबसे बड़ी पार्टी या फिर बहुमत वाली पार्टी के नेता होते हैं, तो ये सब इनकी संवैधानिक पावर्स हैं, आपको पता ही है। फिर इनके कुछ कार्य किससे आते हैं, कुछ कार्य इनके कार्यकारी शक्तियाँ इनकी भी हैं, है ना, कुछ क्या है इनकी कार्यकारी शक्तियाँ हैं, कार्यकारी लिखा हुआ है, कार्य कार्यकारी शक्तियां, जैसे मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का निर्माण कौन करते हैं, यही करते हैं, और उनको बर्खास्त भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी मंत्री बनवाना चाहते हैं उनकी लिस्ट बना के आप कह सकते हैं राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, वो सिग्नेचर करके डिक्लेयर करते हैं, और जब उनको बर्खास्त करना होता है तो त्याग पत्र की मांग कर सकते हैं, उनको हटा नहीं सकते, उनसे त्याग पत्र की मांग कर सकते हैं। देश में नीति निर्माण की बात किस प्रकार करते हैं, क्योंकि आपको पता है चाहे वो नीति आयोग हो, है ना, और चाहे क्या हो आपका NDCO, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन तीनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, देश के विकास की नीतियां बनाते हैं। राजनीतिक नियुक्तियां, राजनीतिक नियुक्तियों की बात करें तो बहुत से पॉलिटिकल पद ये क्या करते हैं, आप कह सकते हैं डिक्लेयर करने में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जैसे राजदूत कौन बनेगा, राज्यपाल कौन बनेगा और चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, और ये तो होना ही नहीं चाहिए, है ना, ये इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी गड़बड़ है। आपातकालीन शक्तियां, जैसे प्रधानमंत्री को व्यापक आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, कुछ विशेष अधिकार देने पड़ेंगे क्योंकि इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द कंट्री। समझ में आई होगी आपको, आधे घंटे की क्लास, अब आप केवल और केवल मैं इस पे टारगेट करता हूँ इस क्लास पे 1000 लाइक्स का, ताकि मुझे पता चले कि ऐसी क्लासेस आपको और भी चाहिए, और साथ साथ इस क्लास को आप अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने लोगों तक भेजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अच्छे व्यूज़ आएँ, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपको नई मैराथन ला के दें। धन्यवाद।